अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग सद मसरूर आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड द टॉपिक इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने जब अपनी पीएचडी कर रहा था तो उस वक्त मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था री इंजीनियरिंग बट uh, इट is अ bit डिफरेंट from री इंजीनियरिंग बिकॉज दर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिवर्स इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग रिवर्स इंजीनियरिंग ये है कि आप ये देखना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट या एक प्रोसेस uh, या कोई भी प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट uh, किया गया आप उसको डी करते हैं आप उसको दोबारा uh, उसके क्लूज़ को रिवील करते हैं कि कौन से क्लूज इंडिकेट करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाएगी या इसको आ, अगर आपने रिप्रोड्यूस करना है तो कौन से फीचर्स हैं आ, कौन से वो पॉइंट्स हैं जो इसको डिस्टिकट करते हैं किसी प्रोडक्ट को या किसी प्रोसेस को आ, फिर इसी प्रोसेस में आ, आप नई स्किल भी सीख रहे होते हैं देर इज़ अ देर इज़ अ रूम एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्विजिशन और uh, नई चीज़ें आप लर्न कर रहे होते हैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट पर भी और किसी uh, प्रोसेस पर भी इसके बेनिफिट ये हैं कि आपको ये पता चल जाता है कि एक तो ऑन द सर्फेस जो आपको नज़र आ रही है प्रोडक्ट वो क्या है और एक वो स्ट्रक्चर जो हिडन है जो आपकी आंखें नहीं देख सकती लेकिन आपने उसको डीपली जा के करना है देखना है कि बेसिकली ये प्रोडक्ट ये ये प्रोसेस क्या है तो इसके चार पांच स्टेप्स हैं जो आ, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा मैं हावर्ड बिज़नेस रिव्यू में एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था इस पर उसको भी मैंने स्टडी किया आ, कुछ अपना मैंने अपनी भी रिसर्च की और ये चार या पांच पॉइंट्स हैं जिनको आ, जेन में रखने की ज़रूरत है जब भी आप रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए जाएँ किसी प्रोडक्ट की या किसी प्रोसेस की पाँच पॉइंट्स ये हैं नंबर वन कि आप ऐसी एग्जाम्पल्स कलेक्ट करें जिनको आप कंपेयर कर कर सकें और वो दोज़ आर वर्थ एनालाइजिंग ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ऐसी एग्जांपल्स को या ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप इकट्ठा करें और फिर उनको आप एनालाइज़ करें नंबर टू आप डिफरेंस स्पॉट करें कि डिफरेंस क्या है कौन से ऐसे फीचर्स हैं आ, जो इस प्रोडक्ट को डिस्टिंक्ट करते हैं कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं तो आपने स्पॉट करना है डिफ्रेंस ताकि आपको ये पता चल सके कि बेसिकली ये प्रोडक्ट या ये प्रोसेस जो है ये क्यों इतना डिस्टिंक्ट है और इसकी इसको आप अगर कंपेयर करना चाहें आ, किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट से या प्रोडक्ट से या प्रोसेस से तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं तीसरा पॉइंट ये है कि आपने उसकी परफॉर्मेंस को असेस करना है उसके लिए आप मैट्रिक्स फॉर्मुलेट करें डिज़ाइन uh, करें कॉन्स्टिट्यूट करें ताकि आप उनकी परफॉर्मेंस को देख सकें कि जो प्रोसेस सभी चल रहा है या जो प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस क्या है और अगर आपने उसको रिक्रिएट करना है रिप्रोड्यूस करना है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए तो ये एक कंपेरेबल पोजिशन आपने क्रिएट करनी है परफॉर्मेंस की नंबर चार आप ट्रांसफॉर्मेशन पे देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकती है कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कोई एक नई अच्छी चीज़ बनेगी या आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकेंगे और पाँचवा जो पॉइंट है या अप्रोच है या प्रिंसिपल है वो ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं या ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं या ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो इंपैक्टफुल हो जिसका इम्पेक्ट क्रिएट हो इंसानों की ज़िंदगी में आ, किसी आ, प्रोजेक्ट को आप बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट क्रिएट क्रिएट होना जरूरी है आ, किसी भी चीज़ को जो आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसको आप रिप्रोड्यूस करना चाह रहे हैं रिक्रिएट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है तो रिवर्स इंजीनियरिंग में आ, ये चार या पांच पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने जहन में रखें जब भी आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है किसी प्रोजेक्ट की किसी प्रोसेस की या किसी प्रोडक्ट की अच्छा मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि अगर आप री वर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग दोनों को इकट्ठा करना चाहते हो दैट इज़ देर इज़ ए पॉसिबिलिटी आप सबसे पहले आ, रिवर्स इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करें और उसके बाद आप री इंजीनियरिंग पे आ जाएं कि आपने आपने रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली आपने ये देख लिया आपने एक तरह से सर्जरी परफॉर्म की कि ये प्रोडक्ट बेसिकली है क्या इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या हैं और कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और उसका इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है तो अब आप आ जाएँ री इंजीनियरिंग की तरफ कि अगर आपने करंट ही प्रोडक्ट को या प्रोसेस को या प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग आप इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं तो ये एक छोटी सी आ, आ, वीडियो थी जो मैं आ, रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताना चाहता था बिकॉज वेन यू आर वर्किंग एज अ सीनियर एग्जीटिव अ प्रोजेक्ट मैनेजर अ बिजनेस ओनर एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको हमेशा uh, अपनी Uh, जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं या आपके प्रोसेस हैं या आपकी प्रोडक्ट है तो आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग ज़रूर करें अगर आप उनको रीडिज़ाइन करना चाहते हैं आप उनको रिक्रिएट करना चाहते हैं और उसका बेटर इम्पेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बेनिफिट फिट होगा एज़ यूजल इनशाला मज़ीद टॉपिक्स मजीद, मजीद वीडियोज़ के साथ दोबारा मिलेंगे अपना बहुत ख्याल कीजिएगा अल्लाह हाफिज़